सो गाइज, ये है मीवी कोलर क्लासिक। तो आज हम इस वीडियो में इसका रिव्यू करने वाले हैं, साथ में इसका साउंड टेस्ट, पबजी टेस्ट वगैरह भी करेंगे और इसका माइक भी टेस्ट करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बॉक्स में क्या क्या है। तो हमको बॉक्स में सबसे पहले मिलता है वारंटी कार्ड, जो कि आप 1 साल तक क्लेम कर सकते हो। और यहाँ पे एक और चीज़ है गाइड, जिससे आप देख सकते हो इसके फंक्शन कैसे काम करते हैं। और यहाँ पे है ग्रीटिंग्स। तो बॉक्स में हमको सबसे पहले ये ईयरबड्स देखने को मिल जाते हैं। आप अपने ईयर्स के हिसाब से यहाँ पे चूज कर सकते हो कि आपको कौन सा सही लग रहा है। तो इसके अलावा हमको एक मिलती है यूएसबी केबल, जो कि है चार्जिंग के लिए। तो छोटी है, बट आप अपने फ़ोन के चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे अब मेन चीज़ की बात कर लेते हैं, जो कि है मीवी का कोलर क्लासिक। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसका यहाँ पे कंट्रोलर, जिसमें आप वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एक पावर का बटन भी है। और ये सारे बटन जो है, ये तीनों बटन मल्टी फंक्शन बटन है, जिससे आप मतलब अलग अलग तरह की एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट सॉन्ग, प्रीवियस सॉन्ग, और आप इससे कॉल पिकअप एंड एंड भी कर सकते हो। और इस साइड में आपको ये चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, जहाँ पे आप इसको चार्ज लगा सकते हो। और ये आप देख सकते हो मेन चीज़, ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन है इसकी, और काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। और इसकी बैक साइड में मीवी की ब्रांडिंग इसमें दे रखी है। और ये जो आप देख रहे हो सिल्वर टाइप का, ये यहाँ पे दोनों में मैग्नेट है, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप इनको गले में डाल के रखते हो तो ये दोनों साथ में कनेक्ट रहते हैं, इधर उधर भागेंगे नहीं, है साथ में रहेंगे। तो चलो अब इनको कनेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसको कनेक्ट करोगे तो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हो। ऊपर की साइड में यहाँ पे एक ब्लूटूथ के पास में जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका बैटरी लेवल यहाँ पे पता लग जाता है आपको कि कितनी बैटरी है इसमें। और आप ब्लूटूथ में जाके भी आप देख सकते हो कि इसमें कितना परसेंटेज बैटरी है। तो सबसे पहले हम इसका पबजी टेस्ट कर लेते हैं। मुझे पता है इसमें थोड़ा डिले देखने को मिल रहा है, 1 सेकंड का डिले। मतलब डेली यूजर्स, अगर आप ऐसे ही टाइम पास के लिए गेमिंग कर रहे हो तो आप नॉर्मल गेमिंग कर सकते हो, बट अगर आप कोई अच्छे कॉम्पिटिटिव प्लेयर हो, स्पोर्ट्स में खेलना चाह रहे हो और इसको यूज़ करोगे तो मत करना बिल्कुल भी। आप इसकी जगह अगर मीवी का M80 डुओ पोर्ट्स आता है वो आप ले सकते हो, उसमें लो लेटेंसी है। और अगर आप उसके ऊपर भी वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। और ओवरऑल अभी इसकी बात करें तो ये म्यूज़िक वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, डेली यूज़ के लिए अच्छा है। और अगर आप इसके बैटरी बैकअप के बारे में पूछोगे तो बैटरी बैकअप इसका बहुत सही है। अभी मैं 2-3 दिन से इसको चला रहा हूँ, बहुत अच्छा बैटरी बैकअप है। अभी तक मैंने इसको एक भी बार चार्ज नहीं किया, पर मैंने इसको लगातार नहीं चलाया, थोड़े थोड़े टाइम 2-3 घंटे तक चलाया है। तो ऐसे मैं ये बता नहीं सकता कि मैंने लगातार चलाया, पर कुछ लोग इसको बोल रहे हैं 24 आवर्स तक इसका बैटरी बैकअप है। मेरे हिसाब से तो बहुत सही है, अगर म्यूज़िक वगैरह के लिए आप ले रहे हो, कॉलिंग वगैरह के लिए ले रहे हो तो बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट हम इसके बात करते हैं इसका माइक क्वालिटी कैसा है, कॉलिंग के लिए अच्छा है या नहीं। हेलो हेलो। हाँ हाँ, तो हम ये मीवी कॉलर का माइक टेस्ट कर रहे हैं, तो आवाज कैसी आ रही है? मतलब सही आ रही है एकदम परफेक्ट। बैकग्राउंड में फैन वगैरह चल रहा है तो उसकी आवाज आ रही है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। ओके ठीक है। सो गाइज, आपको ओवरऑल वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको ये ख़रीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से जाके ख़रीद सकते हो, या फिर आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या मीवी की वेबसाइट से भी जाके ख़रीद सकते हो। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। ठीक है भाई हो गया मेरा आज का। और अगर आप इसकी बैटरी बैकअप के बारे में पूछोगे तो कौन है ये भयंकर लोड़ा।